नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube साहिल चैनल में। मैं हूँ प्रेरणा और आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष थेरेपी के बारे में जो कि अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपी में आती है। दवाइयों से हटकर जो अल्टरनेटिव तरीके हैं, थेरेपी हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को ठीक करती हैं, उसी तरीके से इनफर्टिलिटी सॉल्यूशंस में अल्टरनेटिव थेरेपी के तौर पे आज की विशेष थेरेपी के बारे में आपको बताऊंगी जो बहुत इफेक्टिव है और काफ़ी प्रचलन में है। पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन जो भी इसका प्रयोग करेगा उसको डेफिनेटली इसका फ़ायदा मिलेगा क्योंकि ये बिल्कुल लॉजिकल है, साइंटिफिक है, आपके शरीर पे डायरेक्ट इफेक्ट देती है। तो इस थेरेपी को कराने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, यही ये खास बात है इस थेरेपी की। हस्बैंड वाइफ आराम से घर में इस थेरेपी को कर सकते हैं। इसके तीन तरीके हैं, करने का विशेष समय है, वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं अरोमा थेरेपी के बारे में। अरोमा थेरेपी हमारे शरीर पे दो तरीके से कार्य करती है। अब वो दो तरीके क्या हैं? सबसे पहला तरीका, अरोमा थेरेपी ना केवल हमारे शरीर पे बल्कि हमारे दिमाग को भी रिलैक्स करती है, हमारे हॉर्मोन्स को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियमित बनाती है, जिससे कि हमारा प्रजनन स्वास्थ्य, हमारे प्रजनन अंग, हमारे प्रजनन से संबंधित हॉर्मोन्स रेगुलर हो जाते हैं। सबसे पहली खास बात, इसके बाद मोस्ट ऑफ कपल्स की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। एक और दूसरा लाभ है जो कि है, आप जब अरोमा थेरेपी लेते हैं तो आपके दिमाग के अंदर रिलैक्सेशन आता है, स्ट्रेस भाग जाता है, आपके स्ट्रेस हार्मोन काफ़ी कम हो जाते हैं और जैसे स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं, गुड हार्मोन्स, बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक बनने वाले हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं। हमने पहले भी अपने वीडियो में कवर किया है कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड ओवुलेटरी डिसफंक्शनलिटी होती है और ये इनफर्टिलिटी का एक प्रमुख कारण है। तो आप अरोमा थेरेपी लेते हैं तो आजकल की भागती दौड़ती लाइफ में जो हम लोग बहुत बिजी रहते हैं ना, महिला पुरुष दोनों, सुबह से शाम तक अपने ऑफिस या काम में, तो उसकी वजह से अनजाने में ही हम तनाव में आ जाते हैं। तो अरोमा थेरेपी से बहुत सरल तरीके से घर में ही थेरेपी लेने का तरीका बताने वाली हूँ, आप अपनी इनफर्टिलिटी दूर कर लेंगे। तो ये करना कब है और इसके तीन खास तरीके कौन से हैं, अब हम वो जान लेते हैं। अरोमा थेरेपी के बारे में आगे जाने से पहले जान लें कि अरोमा थेरेपी की किन चीज़ों से जाती है। अरोमा थेरेपी के अंदर इसेंशियल ऑयल्स को यूज़ किया जाता है। अब ये ऑयल कैसे आते हैं, कहाँ से निकलते हैं? ये ऑयल पत्तों से, बीजों से, तने से, छाल से, जड़ों से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और बहुत बहुत कम अमाउंट में ये निकलते हैं, इसलिए थोड़ा सा इनका कॉस्ट ज़्यादा होता है। जो भी अरोमा थेरेपी के एसेंशियल ऑयल आप यूज़ करते हैं, ऑनलाइन भी काफ़ी मिल जाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कि एसेंशियल ऑयल कौन सा यूज़ करना चाहिए। एसेंशियल ऑयल्स पे भी मेरा स्पेशल वीडियो है जिसका लिंक यहाँ आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो आप देखें कौन से एसेंशियल ऑयल किन इनफर्टिलिटी कंडीशंस में यूज़ करना है। ओके, तो एसेंशियल ऑयल को आप जो रेशियो यूज़ करेंगे वो जितना भी आप ऑयल लेते हैं, सपोज 10 ml ऑयल लेते हैं, नॉर्मल बेस ऑयल लेते हैं, जैसे बेस ऑयल आपने आलमंड ऑयल ले लिया, कोकोनट ऑयल ले लिया, तो उसके अंदर आपको 3 ml, 10 ml में 7 ml बेस ऑयल और 3 ml एसेंशियल ऑयल, 2 ml, 3 ml के लगभग आपको एसेंशियल ऑयल को यूज़ करना है। तो रेशियो आप समझ गए होंगे। अब हम समय जानते हैं कि किस समय आपको अरोमा थेरेपी लेनी है और कैसे। फ्रेंड्स, अरोमा थेरेपी लेने का सही समय होता है ओव्यूलेशन, क्योंकि कई बार स्ट्रेस इंड्यूस्ड ओव्यूलेटरी डिसफंक्शनलिटी होती है। आपके शरीर में सारा पोषण है लेकिन स्ट्रेस की वजह से आपका स्ट्रेस हार्मोन इतना ज़्यादा है कि ओव्यूलेशन नहीं होने दे रहा, तो आपका जब पीरियड एंड हो जाता है तब आप हस्बैंड वाइफ अरोमा थेरेपी ले सकते हैं, लेकिन इसको आप ओव्यूलेशन तक ले सकते हैं। अब आपका ओव्यूलेशन आपको समझना है, मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि आपके हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे आपके ओव्यूलेशन टाइम को समझने में, क्योंकि हर महिला का ओव्यूलेशन एक निश्चित समय पर नहीं होता, सबकी साइकिल अलग होती है, सबका शरीर अलग होता है, सबके हार्मोन्स अपने अपने समय पे बनते हैं, इसलिए पॉइंट्स को समझें, टेक्निक को समझें, कैलकुलेशन की और अपना ओव्यूलेशन समय आप खुद निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने रूम में एक कैंडल रखें, कैंडल के ऊपर एडजस्ट करके एक वाटर पॉट रखें, उसके अंदर ऑयल को डाल दें, कुछ ड्रॉप्स ऑयल की आप डाल दें, जो कि धीरे धीरे करके खुशबू के रूप में आपके कमरे में फैलेगा और आप इसे शाम से रात तक अपने कमरे में होने दें और ये ब्रीथ के थ्रू आपको बेनिफिट करेगा। सबसे पहला तरीका आसान, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल बर्नर पे आपको पॉट में वाटर डाल के और रखना है। अब वो कैंडल्स भी आते हैं जिसको कि आप अपने रूम में लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल, बट कैंडल्स से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इसीलिए कैंडल्स का प्रयोग मैं कम सजेस्ट करती हूँ। दूसरा तरीका है नहाते समय।
नहाते समय थोड़ा सा आपका जो नहाने का पानी है उसके अंदर मिल्क में आप कुछ इसेंशियल ऑयल की बूंदें डाल दीजिए, क्योंकि डायरेक्टली इसेंशियल ऑयल पानी में नहीं घुलता, तो कुछ ऐसा चीज़ जिसमें थोड़ा फैट होता है जैसे कि दूध होता है, दूध में घुल सकता है, तो मिल्क में ऐड करके आप अपने पानी में ऐड कर दीजिए, तो उस तरीके से ले सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका जो कि मसाज का तरीका है, अब मसाज ही आप अपने बॉडी पर मसाज ले सकते हैं, अपने पैरों पर, अपने बैक पर, अपने सर में, अपने शोल्डर्स पे, बहुत आराम से एक दूसरे की मसाज कर सकते हैं, अपने सिस्टर से आप मसाज करवा सकती हैं, सहेलियाँ अपने सिस्टर से भी मसाज करा सकती हैं, या कोई हेल्प है, सपोर्ट है, उनसे मसाज करा सकती हैं। तो आप अपने बॉडी पे इसेंशियल ऑयल जो बेस में आपको ऐड करना है, 3:7 का रेशियो आपको लेना है, उस रेशियो में ऑयल को लेके आप सोने से पहले अपने बॉडी की मसाज कीजिए, 3 से 4 दिन कर लीजिए, तो जो ऑयल बॉडी में एब्जॉर्ब होगा उसका इफेक्ट और उसकी खुशबू का इफेक्ट दोनों आपके शरीर को, आपके दिमाग को पूरी तरीके से तैयार करेगा तनाव मुक्त रहने में, और आपके गुड हार्मोन्स को, हैप्पी हार्मोन्स को, गुड हार्मोन्स को बूस्ट करेगा। और अरोमा थेरेपी से इनफर्टिलिटी के केसेस में काफ़ी कमी आई है। ये वो तरीके हैं जो बिना दवा के बीमारी को, समस्या को दूर करने के लिए किए जाते हैं और उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। इसेंशियल ऑयल्स को कभी भी डायरेक्टली स्किन पे यूज नहीं करना है, हमेशा कोई ना कोई बेस ऑयल लेना है। आप बादाम का तेल ले सकते हैं, वीट जर्म ऑयल भी आप ले सकते हैं, तो कोई भी ऐसा ऑयल लीजिए बेस में, उसमें थोड़ा सा इसेंशियल ऑयल मिलाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए। 3 तरीके मैंने आपको बताए। मसाज एक बहुत ही सरल तरीका है जो कि आप कर सकते हैं, खुद का भी कर सकते हैं, एक दूसरे का भी कर सकते हैं, और इससे आप अपनी इनफर्टिलिटी का सोल्यूशन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये नई जानकारी आपको मदद करेगी और आपके जीवन को बेहतर बनाने में आपका हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।